दोस्तों आप लोगों को महाभारत का वो मंजर तो याद होगा जब गुरु द्रोणाचार्य के शस्त्रों का त्याग करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम के हाथों मरवाया और ये सूचना फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही ये खबर गुरु द्रोणाचार्य के कानों में गई वो व्यथित हो गए। उनको लगा कि उनका पुत्र मारा गया। वो तुरंत युधिष्ठिर के पास गए। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने आधा सच बोला, अश्वत्थामा मारा गया। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया और इस शंख की ध्वनि के दौरान युधिष्ठिर ने कहा, नर नहीं गज, जो कि गुरु द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए। और गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उन्हें इस सूचना को खुद जाकर एक बार देखना चाहिए कि क्या सच में उनका पुत्र मारा गया कि नहीं। वो इतना ज्यादा मुंह में पागल थे अश्वत्थामा की। और अंततः उन्होंने अपना शस्त्र त्याग दिया और दृष्टद्युम्न ने उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। यहां से हम लोगों को यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बड़े करीब होते हैं। माता पिता अपने बच्चों के बड़े करीब होते हैं, बच्चे माता पिता के बड़े करीब होते हैं। लेकिन अक्सर हम भी यही गलती करते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमारा कोई अपना गलत कर रहा है तो मोह में आकर हम कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। हम भी गुरु द्रोणाचार्य बन जाते हैं और अंत में जाकर होता यही है कि हमारा जो सबसे करीबी होता है वो गलत रास्ते पर निकल पड़ता है। माता पिता अक्सर अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं मोह में आकर। मोह मत कीजिए, प्रेम कीजिए। अगर आप प्रेम करेंगे तो आप सच में जो सच्चाई है उसको जानने की कोशिश करेंगे, ना कि मोह में हर चीज को जाने देंगे।